ये है फिनिक्स का न्यू GSM शटर अलार्म मॉडल नंबर PDAS 04। इसका हम करेंगे अभी अनबॉक्सिंग। इसमें जो आइटम्स आते हैं वो है मॉडल का इनवॉइस, शटर अलार्म मॉडल PDAS 04, उसका अडेप्टर, इंस्टॉलेशन के लिए लगने वाले नट्स बोल्ट्स स्क्रूज और उसका ऑपरेटिंग मैनुअल। इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली स्टेप है, इसके पीछे के जो ये चार स्क्रूज हैं इन्हें हमें ओपन करना है और इसकी बैक प्लेट को निकाल लेना है। स्क्रूड्राइवर की हेल्प से मैं ये बैक प्लेट यहाँ से ओपन कर रही हूँ। बैक प्लेट पे स्पीकर इंस्टॉल होता है जिसकी वायर PCB पर लगी हुई होती है। अगली स्टेप इसमें ये है कि एक वर्किंग सिम कार्ड जिसमें SMS और कॉलिंग का रिचार्ज किया हुआ है, वो सिम कार्ड हमें इस प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है। ये सिम का साइज़ नैनो साइज़ या माइक्रो साइज़ का नहीं चलता है, ये फुल साइज़ का सिम चाहिए। इस सिम को इस पोजीशन में, यहाँ पर जो सिम कार्ड होल्डर दिख रहा है, इस पोजीशन में इस सिम को अंदर हमें प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है। सिम डालने के बाद ये जो पावर का कनेक्टर बैटरी से आया हुआ है, ये हमें इसके पावर के कनेक्टर में यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे ही हम सिस्टम को कनेक्टर लगाते हैं, इसके फ्रंट साइड में हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइट शुरू हो जाता है और येलो लाइट ब्लिंक करने लगता है। जो ग्रीन लाइट है उस पर लो बैटरी लिखा हुआ है, पर ये हमारे पावर का लाइट है। जब ये लाइट परमानेंट ऑन है, इसका मतलब सिस्टम को करेक्टली पावर सप्लाई मिल चुका है। जब ये लाइट ब्लिंक होता है तब उसका मतलब है कि इसका बैटरी लो है। ये जो येल्लो लाइट है, ये हमारे GSM सिग्नल का लाइट है, यानी सिम कार्ड के सिग्नल का लाइट है। ये ब्लिंक होना चाहिए, इसका मतलब हमारे सिम कार्ड को प्रॉपरली सिग्नल मिल रहा है। अगर ये लाइट ब्लिंक नहीं होता है, कंटिन्यू ऑन रहता है, तो आपको एक बार फिर से पीछे की साइड से कनेक्टर निकालना है, सिम निकालना है, फिर से सिम लगाना है और फिर से कनेक्टर लगाकर सिस्टम को एक बार फिर से रिस्टार्ट करना है। आपका ये येल्लो लाइट ब्लिंक होना चाहिए। हमें ये बज़र का आवाज़ आया, इसका मतलब हमारा सिस्टम करेक्टली इनिशियलाइज हो चुका है और अभी हम इसमें सेटिंग्स करना शुरू कर सकते हैं। कुछ समय बाद ये येलो लाइट ऑफ हो जाता है, इसका मतलब सिस्टम पावर सेविंग मोड में चला गया है। सिम कार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं और उसको प्रॉपर रेंज मिल रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम हमारे मोबाइल नंबर से उस सिम कार्ड पर एक कॉल लगा सकते हैं। जब हम उस सिम को कॉल करते हैं तो हमें एक रिंग आनी चाहिए, और फिर ऑटोमेटिकली कॉल कट हो जाना चाहिए। वैसा वर्क हुआ है, इसका मतलब सिम में प्रॉपर रेंज मिल चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप यह है कि हमारे मोबाइल से हमें सिस्टम में जो हमने सिम कार्ड डाला है उस नंबर पर SMS भेजना है। ये मैं मेरे मोबाइल से इसको प्लस करके जो सिस्टम में सिम कार्ड डाला है वो नंबर यहाँ पर डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं मैसेज भेज रही हूँ P1, फर्स्ट पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए P1, मेरा नंबर जिस पर मुझे कॉल चाहिए। कॉमा इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, डिफॉल्ट पासवर्ड। इस फॉर्मेट में मैं ये SMS उस सिम को सेंड कर रही हूँ। जब इस सिस्टम को SMS मिल जाता है तो ये येलो लाइट ब्लिंक होता है। ये हमें सिस्टम से रिप्लाई आ गया, रजिस्टर्ड पर्सन 1, यानी ये जो मेरा मोबाइल नंबर है ये इस सिम कार्ड में, इस सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है। इसी तरह हम 5 यूज़र्स इस सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए हमें P1 के जगह पर P2, P3, P4, P5 ऐसे मैसेजेस यहाँ से सेंड करने हैं। नंबर्स रजिस्टर होने के बाद हम
कस्टमर को टेबल पर भी प्रोडक्ट रखकर डेमो दे सकते हैं या हम खुद भी एक बार प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं शटर पर इंस्टॉल करने से पहले। इसके लिए इसका जो ये सेंसर है इसे हमें अंदर प्रेस करना है, प्रेस कर कर रखना है। 3 बजर आते हैं। दो शॉर्ट और एक लॉन्ग बजर, ऐसे 3 बजर सिस्टम से आते हैं और जो भी रजिस्टर्ड नंबर्स है उस पर SMS आता है शटर क्लोज्ड सिस्टम एनेबल्ड। जब आप शटर बंद करते हैं तब भी आपको SMS आता है। येलो लाइट बंद होने का हम वेट करेंगे। अब जब शटर ओपन होता है इसका ये सेंसर रॉड जो है वो बाहर आता है, इसका मतलब शटर ओपन हो चुका है। जो भी रजिस्टर्ड नंबर्स है उन पे आपको SMS और कॉल आना शुरू होगा और सिस्टम से सायरन बजना शुरू होगा। कॉल आंसर करके अगर हम 1 की प्रेस करते हैं तो ये सिस्टम ऑफ हो जाता है, डिजेबल हो जाता है। किस यूज़र ने सिस्टम डिजेबल किया है, ऑफ़ किया है, उसका भी मैसेज सारे रजिस्टर्ड नंबर्स पर जाता है। जो भी सेटिंग्स हमें सिस्टम में करनी है वो सारी सेटिंग्स सक्सेसफुली करने के बाद और सिस्टम का ट्रायल लेने के बाद हमें सिस्टम की बैक प्लेट को फिर से फिट कर लेना है। चारों स्क्रूज लगाकर हमें सिस्टम की बैक प्लेट को फिर से फिट कर लेना है। बैक प्लेट फिट करने के बाद अब हम हमारा सिस्टम शटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। शटर पर इंस्टॉल करने के लिए हमें शटर के ऊपर ये 4 पोजीशंस पर ड्रिल करना है और सिस्टम के साथ जो नट बोल्ट आए हुए हैं बाहर से वो अंदर डालकर नट बोल्ट टाइट कर हमें ये सिस्टम शटर पर इंस्टॉल कर लेना है। इसे वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम के साथ एक चाबी भी आती है। दुकान का ओनर खुद आ रहा है तो वो शटर ओपन करके चाबी डालकर भी सायरन को ऑफ कर सकता है, बंद कर सकता है। जब हमारे सिस्टम की बैटरी लो होती है तो सारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पर SMS आता है कि बैटरी लो है, तभी हमारा ये लो बैटरी का लाइट भी ब्लिंक होने लगता है। इस कंडीशन में जो सिस्टम के साथ अडैप्टर दिया गया हुआ है वो हमें इसके पावर स्लॉट में यहाँ पर इंसर्ट करना है और इसे करीबी प्लग पॉइंट में डालकर चालू कर लेना है। जब हम ये चालू करते हैं तो ये चार्जिंग का लाइट यहाँ पर ऑन हो जाता है, इसका मतलब सिस्टम की बैटरी चार्ज हो रही है। यूज़र एडिंग के सेटिंग्स की तरह और भी कई सारे सेटिंग्स SMS के थ्रू हम इस सिस्टम में कर सकते हैं। उनकी सारी डिटेल ऑपरेटिंग मैनुअल में दी हुई होती है।